बारिश वारिश की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ है। बहुत आप पहली बार आई है ना? कभी भी डैम वगैरह पे जब भी जाए तो हुआ हुआ बहुत तेज बारिश होने लगी भाई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग देख रहे हैं वापस SF ब्लॉग, और शुरू होने वाला है आज का दिन बहुत ही प्यारे मौसम के साथ, क्योंकि आज का मौसम बहुत ही प्यारा है। पूरे में बारिश हो रही है, अभी भी लगातार सुबह से बारिश ही हो रही है। कभी धीमे होती है, कभी तेज़ होती है, अभी भी हल्की हल्की हो रही है, और बहुत ही अच्छा हो गया है पूरा। काफ़ी काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो मैंने सोचा आज संडे है, क्यों ना लोगों को लेके बाहर निकला जाए, कहीं चलते हैं, कहीं भी जाते हैं। अभी कुछ प्लान नहीं है, सब रैंडम लेके चल रहा हूँ। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, अभी कुछ कुछ भी मालूम नहीं मुझे। तो ऐसा कुछ है, अब मैं तैयार हो गया हूँ, तो बाकी सब भी तैयार हो गए, तो फटाफट यहाँ से निकलेंगे और मिलते हैं आपको नीचे कार में। बाकी सब लोग तैयार हो गए हैं, तो सबको लेकर नीचे से मिलते हैं, फिर निकलते हैं कहीं कहीं भी चलेंगे, देखा जाएगा। जहाँ भी चलते हैं वहाँ जाके ब्लॉग बनाया जाएगा, आज का संडे ब्लॉग। तो भाई अभी जस्ट पहुँच गए जहाँ पे इन लोगों को लेके आना था। यहाँ पे अपने एक बड़े पुराने दोस्त मिले हैं, आइए मिलाते हैं उनसे। हेलो गाइस, बहुत दिनों बाद मिला राहुल आज यहाँ, काफ़ी टाइम बाद। अरे और बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई आज, बहुत ज़्यादा। संडे और ऊपर से बारिश वारिश की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत लोग आए हुए हैं, काफ़ी मज़ेदार। और बताइए कैसे हैं आप? सब ठीक है, बढ़िया। हमें लग ही रहा था यहाँ आ रहे हैं आज, हो सकता है कोई ना कोई मिल जाए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अंश मिल जाएगा, क्या अंश हो सकता है, आता है ना आजकल आ रहे हैं, आते हैं कभी कभी घूमने वूमने तो आते ही हैं, तो हमने कहा हो सकता है आएगा। चलो फिर हम उन लोगों के साथ हो ले, तो भाई कुछ ऐसा फ्लो है, आप दुख दे सकते हैं, कुछ दिन आए थे, आइए आगे आइए। और भैया पहली बार आई है ना? अभी ये कुछ नहीं है, आप लोगों ने बहुत कुछ नहीं देखा है यहाँ पे। अब आपको बताएं, जैसे ये पानी आप इतना ऊपर देख रही हैं, पहली बात तो इतना होता ही नहीं है यूजुअली यहाँ पे। ये जो दो बवंडर दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दो, यहाँ से एक बहुत लंबा सा एक दीवार खड़ी है ऐसा करके, वो पानी को डाइवर्ट करती है, फेंकती है पूरे में, चौड़ा करती है। तो वो अभी दिखाई नहीं देगा क्योंकि पानी बहुत ऊपर है। और सबसे मेन खूबी इस पूरे नहर की, इस डैम की ये है कि ये आपको जितना दिख रहा है पूरा जो बना हुआ है, ये नीचे से कनेक्टेड नहीं है, नीचे गंगा जा रही है, ऊपर से ये डैम आ रहा है। चलिए फिर यहाँ से अलविदा करते हैं और निकलते हैं कहीं और देखते हैं यहाँ पे कोई भुट्टा वुट्टा मिल रहा हो तो भुट्टा खाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे कहीं और चलते हैं। यार लाइटिंग की थोड़ी इशू हो रही है, सॉरी यार, बहुत अंधेरा है यहाँ पे। चलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि बहुत भीड़ है, वो मज़ा भी नहीं आ रही है, बारिश भी नहीं हो रही, बारिश में अलग ही मज़ा आती है। भुट्टा देखते हैं, भुट्टा कहीं मिलता है तो भुट्टा खाते हैं। पिछली बार ये बताना भूल गया था, ये चाय वाय की दुकान है, ये उधर अपना खाने पीने की दुकान है, बाकी इधर क्या पूरा डैम वैम है ये सब है। कभी भी डैम वगैरह पे जब भी जाए तो ये हमेशा समझ लो कि वहाँ पे कीचड़ बहुत रहेगा। और तो भाई अभी वहाँ से तो वापस आ गए, और फिर वापस आने के बाद हम लोग इधर आ गए सोसाइटी में, मैं नीचे आ गया, बाकी लोग को ऊपर भेज दिया। यहाँ पे एकदम सिस्टम लग रहा है, पंखा हवा हवा का, गाली खाए हमारे बाकी उधर सब लोग बैठे हैं। हाय, तो अभी यहाँ बैठे हैं, रात में यहाँ पे थोड़ा जमावड़ा लगता है, सब लोग आ जाते हैं बैठते हैं बस, तो ऐसा कुछ है। हाँ पूरा एकदम काला काला हो गया यार, एकदम देख वो आ ही नहीं रही रोशनी। अब आई वैसा इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय खूब बढ़िया है, एकदम इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मस्त आज। वैसे ठंडा मौसम है, बारिश बड़ी गजब हुई है वैसे, है ये तो बोला जाएगा, एकदम मस्त ऐसे ही बना रहे तो बहुत मजेदार हो जाएगा। बस बस गुड, आइए
आइए यहाँ पे वो क्या नाम है कुकर में खोलो 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 फटाक से खोलो। हुआ हुआ जल्दी से बंद करो। ये निकल आए बाहर अभी हो जाएगी तभी अपने आप ही आवाज बंद हो जाएगी। अच्छा वैसे बना रहे मकई का दाना वाला ये चल रहा है हो गया हो गया बढ़िया बंद कर दीजिए यार कीड़े आ जाएंगे अंदर। तो भाई बढ़िया बन गया एकदम बढ़िया सा पूरा बन के लेके आ गया हूँ। अभी लगाऊंगा इसको और देखूंगा बैठ के। अभी 7-8 बज रहा है यार अभी तो 8 हुआ है जस्ट। अबे चल तो ऐसा कुछ है। अबे पंखा अलेक्सा स्विच ऑफ फैन। तो भाई पंखा बंद करके बात करना चाहिए क्योंकि आवाज़ फिर बेकार आ जाती है। अभी सब लोग गए हैं पीछे नानी नाना के, तो हम लोग यहाँ पर अभी नाना उधर वाले कमरे में बैठे हैं एसी चला के, हम इधर बैठे हैं अपना देख रहा था मैं बस ऐसा कुछ। तो चलिए थोड़ा बहुत इन्जॉय करता हूँ इसको और देखता हूँ लैपटॉप। अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। भाई टावर वन भी वही है। बहुत तेज बारिश होने लगी भाई अभी तो धीमी हो गई। अभी तो धीमी हो गई मतलब बहुत तेज बारिश हो रही थी बहुत तेज मतलब अलग लेवल की। तो भाई अभी है नेक्स्ट डे और आज हम लोग एकदम बढ़िया सा अभी नहा आके आया हूँ और जा रहा हूँ लंच करने। तो क्या है ना कि आजकल थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ हेल्दी खाने का और वेट कम करने का क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हो गया है मेरा। तो आज का कुछ ऐसा कुछ है ये बनवाया था मम्मी से कह के ये आप पता नहीं क्या बोलते हैं इसको क्योना बोलते हैं क्योनिवा बोलते हैं क्या बोलते हैं मैं नहीं मालूम लेकिन ये बहुत हेल्दी होता है और बहुत ही अच्छा होता है। इसमें पनीर और आलू थोड़ा सा डलवा के और शिमला मिर्च डलवा के मैंने ही बनाया। तो चलिए फटाफट इसको खाते हैं और बताते कैसा लगा। ठीक है। मुझे ख्याल से लोग बोलते हैं कि इसको चावल ही बोलते हैं। अब मुझे पता नहीं कैसा चावल होता है बहुत छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं लेकिन लोग कुछ लोग इसको चावल ही बोलते हैं कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं लेकिन होता बहुत हेल्दी है। तो चलिए खा लेते हैं। तो भाई चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अभी बहुत से ब्लॉग बचे हैं जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आप लोगों से। सब लोग सब्सक्राइब मारो शेयर करो लाइक करो सब कुछ करो कमेंट करके बताओ क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। तो मिलते हैं जल्दी और लाइन से ब्लॉग आने वाले हैं तो होप सो आप लोगों को सब कुछ बढ़िया लगे। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय टेक केयर।